इस वक्त मौजूद है हम ताज नगरी के चुनावों को लेकर चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ दो युवा, हम इनसे जानेंगे चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि इस बार चुनाव किस करवट बदलेगा। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ पैरासूट प्रत्याशी भी जाति समीकरण को साधने के लिए लाए गए, क्या कुछ कहना चाहिए? दो मैं बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी में पैरासूट अभी प्रत्याशी जो है वो लाए नहीं गए, आएंगे अभी। एक तो घोषणा नहीं हुई है, घोषणा होगी कल या परसों, जब भी होती है घोषणा तब पता चलेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ पैराशूट जो प्रत्याशी होते हैं उनको लाने का रीज़न। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है इस समय मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी कार्य कर रही है। अब आप पूछेंगे कैसे, देखिए इस समय आप अगर उठा के देखें जो मतलब हमारे सर्वे हुआ है, अभी सर्वे के हिसाब से उन्होंने देखा कि हमारे प्रत्याशी कहाँ कहाँ पर कौन जीत रहा है, क्या हार रहा है, क्या जीत रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी में, तो उसके आधार पर पहले तो ये टिकट देने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी तक क्या होता था, आप किसी पार्टी को उठा के देख लीजिए, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बीजेपी हो रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, सब में क्या होता था, नेता कौन बनता था, नेता बनने के लिए क्या होता था, कुछ जनता के बीच में तो जाते थे लेकिन चापलूसी बहुत ज़रूरी थी, चापलूसी कर करके और चापलूसी और पैसा, बसपा में पैसा और प्लस चापलूसी, सपा में चापलूसी और पैसा दोनों, और भाजपा में कुछ चापलूसी कर करके आगे बढ़ते थे। लेकिन इस बार जो संदेश दिया है ऊपर ने, भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दिया है कि चापलूसी को टिकट नहीं है, आपको अगर नेता बनना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है तो अपने क्षेत्र में घूमो, क्षेत्र के लोगों से जुड़ो, क्षेत्र के में काम करो, क्षेत्रों के लोगों की मदद करो, तब आप सर्वे में आओगे आगे, तो अपने आप भारतीय जनता पार्टी आपको बुला के टिकट देगी। आपको अब चापलूसी की जरूरत नहीं है कि मैं इस नेता के पीछे भागूं, उस नेता के पीछे भागूं, अगर आपको नेतागिरी करनी है। और असली नेता वही होता है जो अपने क्षेत्र में जनता के साथ जुड़ा हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने मतलब इस बार बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि चापलूसी की राजनीति भी अब खत्म होगी। आगरा को भाजपा, आगरा की जनता ने भाजपा को 9 विधायक, 2 सांसद और मेयर दिया, जबकि आगरा को मिला सिर्फ झुंझुना, क्या कहना चाहेंगे? क्या विकास कार्य हुए आगरा? देखिए, आपने कह दिया झुंझुना मिला, ठीक है, आप पत्रकार हो, आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आगरा को क्या क्या मिला, आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए भारत का जो निर्माण होता है, आप तो सिर्फ आगरा की बात करो, मैं पूरे भारत की बात करूँगा और प्रदेश की बात करूँगा। भारत का जो निर्माण होता है वो शहरों से नहीं होता है, वो होता है गाँव से। तो मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, इन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य जो किया है वो ग्रामीण क्षेत्र में किया है। जब तक हमारे गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता है। अब गांव में आपको मैं कार्य बता सकता हूँ क्या क्या कार्य हुए हैं, आप जाके देखिए। सबसे पहले तो मोदी जी ने, आपने देखा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट बाथरूम बनवाए गए, क्योंकि बरसातों में और सर्दियों में लेडीज़ हो या आदमी हो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो सबसे पहले ये कार्य किया। दूसरा कार्य आपने देखा होगा कि गाँव में खरिंजे काफ़ी हद तक बने हैं, आपने देखे होंगे। और दूसरा किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, और दूसरा तीसरा है शिक्षा। तो गांव में शिक्षा के लिए भी तेज़ी से काम चल रहा है। अभी बीजेपी कार्य कर रही है डिजिटल इंडिया के तहत स्कूलों में, पहले आप देखिए स्कूलों में टीचर पढ़ाने नहीं आते थे, लेकिन अभी योगी जी आए, इन्होंने सबकी ऑनलाइन अटेंडेंस कंपलसरी करी, अब सारे के सारे स्कूलों में टीचर आपको पहुँचेंगे। अब आगे के लिए अभी तो टीचर पहुँचना शुरू है, अब बच्चों को भी उन्हें रोकना है, तो बच्चों को रोकने के लिए आगे भाजपा करने वाली है डिजिटल स्कूल बनाने वाली है। हर स्कूल में प्रोजेक्टर लगेंगे जिससे बच्चे रुकेंगे, बच्चों को इंटरेस्ट लगेगा तो वो पढ़ेंगे। तो भाजपा का विज़न जो पहले है, पहले हमारा ग्राम मजबूत, फिर शहर मजबूत, फिर प्रदेश, फिर देश। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी ने बहुत सारे विकास कार्य कराए, परंतु आपकी याददाश्त के लिए बता दूं कि कुछ समय पहले भाजपा के ही पोस्टर वायरल हो रहे थे कि विकास नहीं तो हो। देखिए, मैं आपको बताऊं वायरल कहां पे हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूं, उन क्षेत्रों में वायरल हुए हैं भाजपा के पोस्टर जहाँ पे भाजपा का कभी वोट ही नहीं था। वो लोग जो विरोधी लोग हैं ना, जिनको अपनी राजनीति करना है, जिन्हें उनको तो सिर्फ दिखाना है कि बस हमें मौका मिले कि ये है, और उन्होंने कभी वोट ही नहीं किया भाजपा को, वो लोग कर रहे हैं जिससे कि। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप चल जाइएगा शहर में, कहीं पे भी खड़े हो जाइएगा, आम नागरिक जो होते हैं बिल्कुल रैंडमली पूछेगा योगी और अखिलेश, आपको जवाब मिलेगा योगी, 10 में से 7 आदमी आपको योगी बोलेगा आगरा के अंदर, ये मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ आज की तो। इसका मतलब ये माना जाए कि विकास नहीं सिर्फ धर्म के नाम पर योगी बाबा आएंगे। देखिए भाई, मैं आपको बताऊँ, धर्म बाद में है, धर्म अभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है विकास, और विकास से भी इम्पोर्टेंट है सुरक्षा।
जो उत्तर प्रदेश में आज के टाइम में सबसे बड़ी मुद्दा है। मैं जिस आदमी से मिलता हूँ उससे पूछता हूँ आप योगी कार्यकाल में खुश हो, बोलते खुश हो। मैंने पहला रीज़न निकलता गुंडागर्दी। योगी जी ने गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त कर दी है। मतलब पहले जो होता था हफ्ता वसूली और लोगों को परेशान करना, उत्पीड़न करना, वो चीज़ें बहुत हद तक कम हो गई हैं। मैं इनको पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई हैं, लेकिन 90% कम हो गई हैं। तो क्या लग रहा है भाजपा, अगर विकास कार्य हुए हैं तो क्या लग रहा है भाजपा 9 के 9 विधायक रिपीट करेगी? मैं आपको बता दूं, भाजपा आगरा में, आगरा की छोड़िए, मैं आपको पूरे प्रदेश की बताता हूं, भाजपा इस बार कम से कम, मैं बता रहा हूं। मैं आपको देखो भाजपा की बात नहीं बोलूंगा, भाजपा वाले बोलेंगे वो 300+, 350+, और न्यूज़ वाले बोलेंगे 200+। मैं आपको एग्जैक्टली बता दे रहा हूं, मेरा जो पर्सनल व्यक्तिगत मानना है मेरा है 240 से 280 के बीच में टिकटें, सीटें आ रही हैं भाजपा की हर हाल में। मेरा नाम सुनील कुशवाहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष बरौली ही आगरा। देखा जा रहा है कि इस बार जाति समीकरण को देखकर टिकट दिया जा रहा है, ऐसा क्या है? ऐसा लोगों की अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। जाति समीकरण को देखते हुए टिकट नहीं दिया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता की छवि देखती है, पहचान देखती है, वजूद देखती है, उसके बाद सर्वे करने के बाद टिकट देती है। अगर कोई ये लांछन लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे से टिकट देती है या फिर जाति समीकरण देख के देती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक अफवाह है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बीजेपी के एक मंडल के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे इस बार जो क्षेत्र में माहौल है वो धर्म को लेकर वोट करने वाला है या विकास को लेकर? जो वोटिंग की हम बात करें, विकास को लेके वोटिंग होगी, धर्म को लेके बिल्कुल वोटिंग नहीं होगी। अगर हम धर्म की बात करें तो एक अफवाह है। जो धर्म को लेके बात करते हैं वो जातिवाद को हम बात करें, हम किसी दूसरी पार्टी के बारे में हम बात नहीं करते। ये आप भी जानते हैं कि जब टाइटल, एक ही टाइटल के सारे लोग जब जॉब पे आते हैं तो कौन सी पार्टी होती है वो सब जानते हैं। इसका हम नाम उजागर नहीं करेंगे और हम किसी पार्टी के बारे में हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है। वो अपने बलबूते पे अपने विधायकों को लेके आएगी और बनाएगी और सक्षम तरीके से वो विधायक पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार आएगी। देखा जा रहा है कि बाबा तो धर्म की बात करते हैं, हिंदूवादी की बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदूवादी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो मैं मानता हूँ शायद हर व्यक्ति के दिल के अंदर एक हिंदूवादी सभ्यता को देखते हुए हिंदू धर्म के प्रति सबकी एक भावनाएं होती हैं, और हम भावनाओं के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो वो हम हिंदुओं को क्या, हम चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे हम समाजवादी से हो, चाहे बसपा से हो, वो हम कभी सहन नहीं करेंगे। तो बात करते हैं हम पार्टी की तो हिंदूवादी पार्टी कह सकते हैं, लेकिन हम हिंदूवादी को लेके नहीं चलते। जो हमारा वोट बैंक है सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में सभी समाज के लोग भी हैं और सभी समाज के लोगों को अच्छे पद भी दिए जाते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, टिकट सभी। हम बात करें, अगर हम बात करें तो पुराने कार्यकर्ताओं को बुलाकर पार्टी पैराशूट प्रत्याशियों को टिकट देने जा रही है, ऐसा हो सकता है और हुआ भी है। वो एक अलग है, जब पार्टी दिल्ली से जब मोहर लग के आएगी, जब हम प्रत्याशी सामने आएंगे तब हम कह सकते हैं। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कौन सी पार्टी, हमारी बीजेपी पार्टी किसको टिकट देती है, कैसे देती है, वो इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरी जानकारी में नहीं है पैराशूट के बारे में। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं समाज सेवी, मैं जिनका आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम रोहित है। रोहित जी, देखा जा रहा है चुनाव में राजनीति के चलते जाति समीकरण को बहुत महत्व दिया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, एक्चुअली क्या है कि आपने देखा होगा इस समय कि जाति, वैसे तो जातियों पे सिर्फ नेता लोग जो होते हैं वही सिर्फ जाति समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे वो बसपा हो। इनका मतलब नेतागिरी जो है, पॉलिटिक्स है, वो जाति तक ही सीमित है। मतलब आप आगरा में भी देखिए, अगर कोई नेता है वो अगर ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मणों को लेके चलता है और कहता है कि हमारे यहाँ ब्राह्मण ज़्यादा हैं इसलिए मुझे सीट दी जाए। तो बेसिकली, और जनता भी गाँव में हमने देखा जाके कि जहाँ पे ब्राह्मण गाँव है तो वो चाहते कि नहीं ब्राह्मण ही हो तो हम वोट देंगे, और जो छत्री लोग हैं तो छत्री देखता है कि छत्री प्रत्याशी हो छत्री देंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है ये एक ऐसी पार्टी है, ये सबको साथ लेके चलती है। देखा जाए तो ये थे हमारे साथ समाज सेवक रोहित रायकवार और हमारे भाजपा के मंडल
उपाध्यक्ष कुशवाहा जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखते हुए बताया। पर आपको बता दें कि विकास को लेकर आगरा की जनता परेशान रही है, और आगरा की जनता का बस एक ही कहना है, आपको बता दूं कि यमुना किनारे पर यमुना जी के लिए कुछ नहीं मिला, और सिर्फ मिला है आगरा को झुंझुना। जबकि आगरा की जनता ने 9 विधायक, 2 सांसद और आपको बताया कि मेयर भी दिया। अब देखने वाली एक बार फिर योगी बाबा से आगरा की जनता आस लगा रही है कि शायद अब की बार आगरा का और पूरे प्रदेश का विकास हो। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।